नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। 74 साल के हुए पीएम मोदी, राष्ट्रपति समेत जानी मानी हस्तियों ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यानी 17 सितंबर को जन्मदिन है। वे 74 साल के हो गए हैं। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी को पब्लिक एशिया की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश के प्रतीक हैं। हम हर महीने आपके व्यावहारिक विचारों और प्रेरक विचारों को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिस तरह से आप देश के नागरिकों से बातचीत कर रहे हैं, वो वाकई शानदार और काबिल तारीफ है। हमेशा कहते हैं कि बंदूक से आप धरती को लाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हल है तो आप धरती को लाल कर सकते हैं। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। तब से लेकर आज 17 सितंबर 2024 तक वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे पीएम मोदी ने राजनीति में एक बेहद लंबा सफर तय किया है। मोदी जी लगातार 3 बार भारत के पीएम चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत आने के बाद पीएम मोदी ने 30 मई 2019 को शपथ ली थी। 2024 में एनडीए की गठबंधन सरकार बनने पर 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ग्रहण की थी। क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी पिछले 23 सालों से लगातार सत्ता में बने हुए हैं? जी हाँ, पीएम मोदी 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। फिर 26 मई 2014 से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार की स्कीम पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। ये खासतौर पर महिलाओं के लिए है और इसके तहत सरकार महिला लाभार्थियों के खाते में साल में 2 बार 5,000 रुपये डालेगी, यानी 1 साल में 10,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को भुवनेश्वर के गड़कना में 26 लाख पीएम आवास घरों का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा गया, प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को विकसित भारत की ओर मजबूती से आगे बढ़ाया है। उनके 2 दशकों से अधिक समय तक शासन में और 1 दशक से अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत की आत्मा को जगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। त्रिपुरा और ओडिशा के सीएम ने भी उनको बधाई दी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रसिद्ध शिल्पकार सुदर्शन पटनायक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज़।